भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक कर संसद में व्यवधान और राहुल गांधी की ओर से ओबीसी समाज के कथित अपमान के मुद्दों पर विरोधी दलों को घेरने तथा 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक कर संसद में व्यवधान और राहुल गांधी की ओर से ओबीसी समाज के कथित अपमान के मुद्दों पर विरोधी दलों को घेरने तथा 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक कर संसद में व्यवधान और राहुल गांधी की ओर से ओबीसी समाज के कथित अपमान के मुद्दों पर विरोधी दलों को घेरने तथा 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक कर संसद में व्यवधान और राहुल गांधी की ओर से ओबीसी समाज के कथित अपमान के मुद्दों पर विरोधी दलों को घेरने तथा 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की।